हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी खुशी भरी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ है ना, मैं कुछ करने जा रही हूँ, यानी कि जो बाल है ना, पिकनिक के लिए जा रही हूँ। वो फ्रेंड्स ये आ गई हैं बाजी सोनी मैडम। सलाम दुआ कुछ है नहीं है। दो फोन पे बात कर रहे। ये देखो जी, ये है मेरा प्यारा सा आहिल, और इसे तो आप जानते ही होंगे। ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये? ये मुँह छुपाने वाली। मैं अभी कोई हालात में नहीं हूँ शक्ल दिखाने की। ये आ गया अफान, जो की गायब हो गया अफान भी आ गया। ये देखो और ये कपड़े सब धो के डाले हुए हैं बहुत घर में ना। ये देखो साहिल और ये मेरा आहिल। ये देखो आई कहाँ बैठा है। और जी फ्रेंड्स, आज दोपहर के खाने में हमने बनाई थी इडली चीले। ये देखे जी सोनी के हाथ की इडली और चीले, साथ में सांभर और चटनी। तो आइए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आओ जल्दी से सो। अच्छा बच्चा कौन? मैंने यहाँ से मशीन भी हटा दी, मुझे पता था यहाँ से हटानी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही मशीन हटा दी है यहाँ से। तू आ जा, तुझे तो छोड़ दे मैम। सलाम दुआ कुछ है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत भूख लग गई थी हमको। हम तो हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं जानबूझ के डालूंगी शिफा की स्पेशल चाह, शहामची संध्या का चाह घ्यू रही आमची पोरगी। देखो दुपट्टा बोल दिया मेरा। अभी मत लो मेरे बड़े वाले दिन लेना, मैं खुद आऊंगी तुम्हारे उसमें। लाइन लगा दे, देख क्या हो रही है। देख तो आदित्य कपड़े, देख मैं ले कुछ ले मोटी कुछ उंगलियां तो देख। बर्थडे का था बनाई केक नहीं यार, मेरा अंगूठा तो उसके उंगलियां ही थे। तो जी फ्रेंड्स, ये देखो आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये देखें जी कलामे पाक। तो जी फ्रेंड्स, ये जो कलामे पाक है, पुरानी शरीफ है, ये मिला है अफान को तोहफे में मदरसे से। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। अच्छा ये अच्छा को मिला। हाँ, तोहफे में मिला है अफान को इनाम में। तो इससे प्यारा गिफ्ट और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं दिखाना था आप लोगों को, इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखें मैं इसके साथ ऐसी हरकतें करती रहूंगी जब तक ये खुद होके साफ नहीं दी आएगी। ठीक है गाइस, बोलती है इसके बर्थडे के दिन वो आएगी, अगर तक हम लोग वेट करें 3 तारीख तक। घूर के देख रही हैं ये कितना घूर रही है मुझे सोनी। और ये देखो। और जी फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। तो बाहर हम ये देखे यहाँ आए थे ना, तो ये मतलब हमारे एक मामा है, उनकी बच्ची है, तो ये बड़ी ही अच्छी सी ना रंगोली डाल रही थी। तो फिर मैं भी बैठ गई उसके पास और जी देखने लगी किस तरीके से। देखे पूरा लुक है रंगोली का, अभी थोड़ी सी बाकी, लेकिन हानी मुझे यहाँ बहुत सता रही थी, तो ये रंगोली बीच में अंदर ही रह गई और मैं उठ के आ गई। वैसे तो मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन मैं हर बार कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है बनाना। तो जी आज दिवाली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखें जी कुछ इस तरीके से इसे पूरा करना था, लेकिन हनी रोने लगी ना, तो मैं बीच में से इसे छोड़कर घर आ गई। बरे तो कशी पूजा सा टाइम हुई ना था। हाँ, 8 बजे पर्यंत। हैप्पी दिवाली विसरून गेली। कुठे आता शाळेत? शाळेत आता कॉलेजला गुरुकुल्ला गुरुकुल्ला आहे का? बीकॉम चालू? अरे वा,
तो जी यहाँ से अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी गली की रंगोली। ये देखें जी, दीदी ने भी कितनी अच्छी रंगोली निकाली है। तो गाइस आज दिवाली ना सब बड़ी अच्छी अच्छी रंगोली निकालती हैं, बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में। ये देखें जी यहाँ पर भी, और जी ये देखें जी इन्होंने भी कितनी अच्छी निकाली है। कितना अच्छा लगता है ना दिवाली का त्यौहार भी, एक अलग ही खुशी होती है इसके अंदर। सब इतनी मेहनत से रंगोली निकालते हैं नए कपड़े, और इतनी रौनकें होती है। ये देखे जी राधा ने भी कितनी अच्छी रंगोली निकाली है। देखे अभी इसकी भी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हनी मुझे कहीं रुकने ही नहीं दे रही थी ताकि मैं पूरी तरीके से है ना वीडियो बनाऊं। इसके बाद हम लोग आ गए अपनी गली में, और ये यहाँ पर हमारी गली की शुरुआत होती है। अब ये देखे यहाँ भी सबने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी रंगोली निकाली हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अब दिखाते चलती हूँ आपको सभी की रंगोली। देखें कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाए हैं, और कितनी मेहनत लगी होंगी इसमें बनाने में। बच्चे ही बनाते हैं, बड़े ही बनाते हैं। और है ना पहले तो ऐसा होता था जब शिफा आती थी ना बाजी की लड़की, जब वो छोटी हुआ करती थी तो वो बहुत जिद करती थी, हम उसे रंगोली लेके देते थे, वो है ना निकालती बैठती थी बाहर। तो मैं भी कभी कभी जो मेरी फ्रेंड्स थी पहले की, उनके साथ में बैठ के हम लोग भी थोड़ी बहुत कभी कभी निकाल लिया करते थे। तो ये देखें जी कितनी अच्छी सबने बनाई है, कितनी खूबसूरत। तो जी फ्रेंड्स फिर यहाँ हो गया था रात का टाइम, और हम लोग बैठ गए खाना खाने। तो यहाँ हमने बनाया है जी मज़ेदार सा वाइट पुलाव, और उसके साथ में हरी मिर्च की चटनी, उसके अंदर ये मैंने कांदा कट करके डाल दिया। तो फ्रेंड्स आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ हम लोग का खाना हो गया, और बाहर है ना बहुत ही पटाखों का शोर था, इसलिए मैंने यहाँ म्यूट कर दिया है। बहुत ज्यादा पटाखे बजाए जाते हैं। तो एक बार आपको फिर से मेरी तरफ से बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और फ्रेंड्स यहाँ देखे हम लोग छोटी सी वॉक करके आते हैं खाना खाने के बाद में, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पटाखे बजने लगेंगे तो हम लोग है ना फिर बाहर भी नहीं जा पाएंगे। ये देखें यहाँ बच्चे भी पटाखे फोड़ रहे थे हमारे घर के, अब दिवाली है तो बच्चे पटाखे ना फोड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस। तो ये देखें हनी को और बाकी के बच्चे भी। तो फ्रेंड अब इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, और दुआ में रहमत नासिब याद रखें। अल्लाह हाफिज़, भी अमानी ला, टेक केयर, बाय बाय।